अगर आप हर दिन पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पास आखिर पैसों की कमी क्यों है, क्यों आप पैसों को कमाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। अगर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपने समझ लिया तो मेरी बात मानो, आप भी अपने जीवन में पैसों के अबंडेंस को लगातार देखेंगे। बुद्ध बताते हैं, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। और यही मूल सिद्धांत हमारी वास्तविकता को आकार देने में हमारे मन की शक्ति पर प्रकाश डालता है। जिस तरह डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमारी इच्छाओं को प्रकट करने में हमारे विचारों और विश्वासों के महत्व पर जोर देते हैं, ठीक उसी तरह बुद्ध ने भी आज से हजारों साल पहले हमें एक पूर्ण जीवन बनाने के लिए सकारात्मक और केंद्रित विचारों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। यहाँ तक कि धम्मपद में बुद्ध ने कहा है, हम जो कुछ भी है वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। आज हम जैसी स्थिति में जी रहे हैं ये हमारे भूतकाल के परिणाम है, और अभी हम जैसा सोचेंगे, जैसे हम वर्तमान में रहते हैं, इसी का परिणाम हमारे भविष्यकाल को बनाता है। यानी कि भविष्यकाल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है। अगर हम वर्तमान को ठीक करते हैं, अगर हम अपने विचारों को अपने अनुसार चलाते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसे ही बनता चला जाएगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि हमारे विचारों के माध्यम से हमारे व्यवहार का निर्माण होता है, और हमारे व्यवहार के माध्यम से हम अपने जीवन में वैसे कर्म करते हैं जैसा हमारा व्यवहार होता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हम अच्छे कर्म को करेंगे, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो लॉ ऑफ कर्म के अनुसार हमें अच्छे परिणाम अवश्य ही मिलते हैं। चाहे वो परिणाम मिलने में हमें वक्त ही क्यों ना लगे, लेकिन परिणाम अवश्य ही मिलता है। और आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे जितने भी परिणाम हैं, ये सभी परिणाम हमारे विचारों की फ्रिक्वेंसी से ही बना है। इसलिए जो भी काम करो वर्तमान में करो, जो भी विचार रखो, जो भी अफर्मेशंस को बोलो, वो सभी चीजें वर्तमान में बोलो, जो भी मंत्र को बोलो, उन सभी मंत्रों के पीछे आपका वर्तमान जरूर जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपने मन को ठीक कर लिया, अगर हमने अपने मन को सही दिशा निर्देश दे दिया, तो हमारा मन ही हमें अपने जीवन में वह सब कुछ लाकर देता है जिसके बारे में हमने पहले सोचा था, जिसके हम वास्तविक हकदार है। इसलिए हम जो कुछ भी है वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। मर्फी के अनुसार हमारा अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो हम लगातार सोचते और विश्वास करते हैं, और हमारे सोच और विश्वास के अनुसार ही हम अपने जीवन में अनुभवों को आकर्षित करते हैं। माइंडफुलनेस और सही सोच का अभ्यास करके हम अपने दिमाग को सकारात्मक और इरादों के साथ जोड़ सकते हैं, और हम अपनी इच्छा की सभी चीजें, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो या समृद्धि से संबंधित हो, सभी चीजों को हम आकर्षित करते हैं। आज की इस वीडियो में बॉब प्रोक्टर के द्वारा बताई गई एक ऐसी टेक्निक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिसकी मदद से यह सोचने के बजाय कि आपके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है, आप यह सोचना शुरू कर देंगे कि आपके पास हमेशा बहुत सारे पैसे रहते हैं। क्योंकि आपके वर्तमान सोच से ही आपके भीतर एक बिलीफ सिस्टम का निर्माण होता है, और आपके जीवन में पैसों की कमी के बारे में जो सोच है, पैसों के संघर्ष के बारे में जो सोच है, ये भी आप बचपन से एक लिमिटिंग बिलीफ्स बना कर आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपका घर परिवार, आपके सोसाइटी दायित्व है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि जब आप यह सोचना शुरू कर देंगे कि आपके पास हमेशा बहुत सारे पैसे रहते हैं, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट में बदलाव लाना होगा। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी में पैसों की कमी होने में आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपके माइंडसेट प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। आपने जो अवधारणा रखी थी, जो बिलीफ्स आपने बनाए थे, उसका रिजल्ट है जो बचपन से आपको मिली थी। बचपन में आपने जो कुछ भी सीखा है, आप उन बातों को मानते आ रहे हैं। लेकिन मानसिकता से मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि मानसिकता सोचने का एक ऐसा रिपीटेशन वाला तरीका है जो समय गुजरने के साथ साथ आपके सोचने का आदत बन जाता है। इसलिए सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपके सोच के प्रति आपको जागरूक होकर देखना है कि आपके मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, यानी कि पैसों के प्रति आप किस तरह सोच रहे हैं। आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि पूरे दिनचर्या में कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि पैसा कमाना बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। मैं कमा पाऊंगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मतलब दोनों तरह के विचार आपके दिमाग में आते होंगे। एक रिसर्च में ये पता चलता है कि
कि हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से कुछ विचार किसी खास टॉपिक से संबंधित होते हैं, कुछ विचार सकारात्मक होते हैं और कुछ विचार नकारात्मक होते हैं। लेकिन हमारी गलती यहाँ पर यह होती है कि हम नकारात्मक विचारों को ज्यादा पकड़ते हैं और उसे बार बार दोहराने पर वही विचार हमारे बिलीव्स यानी कि हमारे विश्वास बन जाते हैं, जो बदले में आपके व्यवहार को संचालित करते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि पैसे या पैसों से जुड़े लोग, आपके दिमाग में जितने बार भी विचार आए, उन विचार पैटर्न्स को आपको पकड़ना है। ये आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप दिन भर अपने दिमाग में चल रहे विचारों को जागरूक होकर देखेंगे। बुद्ध ने एक बात कही थी कि हमारे दिमाग में दोनों तरह के विचार आते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। बस हमें सकारात्मक विचारों को पकड़ने की जरूरत है। जब आप नेगेटिव थॉट्स के पावर्स को कम कर देंगे, तब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे और वही पॉजिटिव थॉट्स जो पैसों से संबंधित है, उसी को आपको पकड़कर चलना है। इसलिए पहला काम है कि जागरूक होकर अपने विचारों को देखे और उसमें जो पैसों से संबंधित सकारात्मक विचार है, उनके पैटर्न्स को पकड़े कि वो विचार आपके दिमाग में क्यों आया। बचपन में आपने अपने घर में या किसी जगह पर ऐसी बातें सुनी होंगी, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, मेरे पास मेरे जीवन में कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं बचते, हम ज्यादा पैसे कमाने के लायक नहीं है, पैसा गंवाना बहुत ही आसान है, कमाना मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या हम इसके लायक नहीं है। बचपन में आपने इसे मिलते जुलते या इसी तरह की बातें सुनी होंगी। आपके द्वारा सुनी गई यही बातें आपके अवचेतन मन में डाउनलोड होने वाले मिनी एप्स की तरह बन गए हैं और एक प्रोग्राम की तरह आपके अवचेतन मन में लगातार चल रहे हैं और अंततः ये आपके बिलीव्स बन चुके हैं। आपके पास हमेशा उस अनुभव में किसी न किसी रूप से आपके पास हमेशा पैसों की कमी आ रही है और इसी वजह से पैसों की कमी के प्रति आपका विश्वास और भी अधिक मजबूत होता जा रहा है। आपके विश्वास ने, आपके बिलीव्स ने आपको डिसीजन लेने, बिजनेस में इन्वेस्ट करने, नौकरी लेने और लोगों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके फलस्वरूप आप अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। आप अभी तक पैसों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आपके इन्हीं रिजल्ट्स के अनुभव ही आपका भविष्य लगातार बना रहा है। अगर यहाँ पर आप सही में अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो अभी आपको एक्शंस लेना होगा। पैसों के बारे में आपके जीवन में जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनकी पहचान करें, इन्हें बदले और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हुए एक नई पॉजिटिव और आत्मसंतुष्टि वाली भविष्यवाणी बनाएं। आप उस फाइनेंशियल वेल्थ का समर्थन करें जो आप चाहते हैं। बिलीव्स की एक नई प्रोग्रामिंग बनाएं जो कि आपके पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ सके। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसों से संबंधित अपनी मानसिकता के प्रति जागरूक कैसे रहे और इसे कैसे बदलना है। सबसे पहले आप अपना मन बनाएं कि आपको अपने दिन के दौरान जो भी मेंटल बातें आपके दिमाग में आती है या वर्बली आप जो भी बोलते हैं, वह किस तरह की बातें बोलते हैं। अपने विचारों के प्रति जागरूक होने का इरादा बनाकर ऐसा किया जा सकता है। आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसको पकड़ना बहुत ही आसान है। बस आपको जागरूक होकर इसे देखना होगा। मतलब आप जो कुछ भी काम करें, जैसे भी अवस्था में आप हो, उस वक्त जागरूक होकर आप देखें। मानसिक रूप से आप हर दिन इस तरह खुद से कह सकते हैं, आज मैं पैसों के बारे में अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहता हूं। क्योंकि आपके द्वारा कही गई यही बातें आपके नेगेटिव मनी थॉट्स के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। यह जानना कि यह विचार क्या है, आपको उन्हें बदलने में मदद मिलती है। जब आपने पैसों के बारे में अपने विचार को सुनना शुरू कर दिया है, तब आप अपने ऊपर उन विचारों की शक्ति को कम करना शुरू कर देते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी होते हैं, उनकी शक्ति को कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त आप समझने लगते हैं कि वह नेगेटिव थॉट्स है जो आपके बिलीव्स बन चुके हैं और वही बिलीव्स आपके वर्तमान सिचुएशंस का कारण है। जब आप इन नेगेटिव थॉट्स की शक्ति को कम कर देंगे, तब आप धीरे धीरे पॉजिटिव पावर्स को भी पकड़ना सीख जाएंगे और वही पॉजिटिव थॉट्स जो पैसों से संबंधित है, उसी को आपको पकड़कर चलना है। जोसेफ सिल्वा ने इसके लिए एक बहुत ही आसान टेक्निक बताई है, जिसके लिए केवल एक शब्दों की आवश्यकता होती है और वह है कैंसल। कैंसल एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। यह एक माइंडफुलनेस टेक्निक है जो नेगेटिव विचारों को सकारात्मक में बदलने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग पैसों के संदर्भ में किया जा सकता है। जब आप पैसों के बारे में नेगेटिव विचारों में पड़ते हैं, तो तुरंत कैंसल कैंसल शब्द बोलना और ध्यान केंद्रित करना, यह टेक्निक आपको उस नेगेटिव स्थिति से बाहर निकाल सकता है। यह सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जोसेफ सिल्वा के द्वारा यह प्रूवन टेक्निक है। यह एक प्रभावी माइंडफुलनेस शैली है जो आपको विचारों की गहरी जागरूकता प्रदान करती है। इस टेक्निक के माध्यम से आप नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव में बना सकते हैं।
और पैसों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। जब आप पूरे दिनचर्या में जागरूकता से अपने विचारों को देखेंगे, उस वक्त आप ऐसा समय पाएंगे जब आप खुद को पैसों के बारे में नेगेटिव विचार दोहराते हुए पाते हैं। उसी वक्त आपको खुद से कहना है, कैंसल 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 बोलना उन नेगेटिव विचारों पर ठंडे पानी फेंकने जैसा है, और इसे पैटर्न इंटरप्शंस भी कहते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप अपनी गाड़ी को और तेज चला रहे हैं और किसी कारणवश आप ट्रैफिक में फंस चुके हैं और आपको पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद वही पुलिस आपको डांटा फटकारा और आपको छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद ही आप गाड़ी को ठीक से चलाएंगे, क्योंकि वही पुलिस की डांट फटकार की वजह से उस वक्त आपके दिमाग के पैटर्न बदल चुके हैं। इसका परिणाम आप गाड़ी को और सावधानी तरीके से चलाते हैं। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव पैटर्न्स बने, उस वक्त आपको कैंसल कैंसल कहना है। जितनी बार आप ऐसा करेंगे, उतनी ही बार आपका दिमाग उस विचार को भूलेगा, उस विचार की शक्ति कम होगी और उसकी जगह आपका दिमाग ही एक नए विचार को पैदा करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कभी खाली नहीं जाती है। जब आप नकारात्मक विचारों की शक्ति को कम कर रहे हैं, उस जगह को खाली कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके उसी जगह पर कुछ विचार आएंगे जो कि आपके नए बिलीफ्स के साथ होंगे। अब यहाँ पर एक आसान काम आपको ये करना है, आपको उस वक्त कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं, वही पॉजिटिव अफर्मेशंस जो पैसों से संबंधित हो, क्योंकि जब आप उन अफर्मेशंस को बोलेंगे तो वो आपके नए बिलीफ्स बनता चला जाएगा। कुछ अफर्मेशंस इस तरह हैं, प्रचुरता मेरे पास आसानी से बहती है, मैं आसानी से प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ और धन मेरे जीवन में आसानी से बहता है। अबंडेंस फ्लोज टू मी इजीली, आई अट्रैक्ट अबंडेंस एफर्टलेसली एंड मनी फ्लोज इनटू माय लाइफ विथ ईज। पैसा एक सकारात्मक उपकरण है और मैं इसका उपयोग अपने जीवन और अन्यों के जीवन में सकारात्मक परिणामों के लिए करता हूँ। मनी इज अ टूल फॉर गुड एंड आई यूज इट टू क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इन माई लाइफ एंड द लाइफ्स ऑफ अदर्स। मैं धन के लिए अवसरों को आकर्षित करता हूँ। I attract opportunities for wealth. मैं आर्थिक सफलता का अनुभव करने के लायक हूँ और मैं उस समृद्धि को स्वीकार करता हूँ जो मेरे मार्ग में आती है। I deserve to experience financial success and embrace the prosperity that comes my way. मेरी आय स्थिरता से बढ़ती है और मैं उन नए अवसरों के लिए खुला हूँ जो मेरी आर्थिक स्थिति को ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं। My income increases consistently and I am open to new opportunities that elevate my financial status. इस तरह से अपने दिमाग में पैसों की अबंडेंस के विचार लाकर आप हमेशा के लिए पैसों से संबंधित अपने बिलीव्स को बदल सकते हैं। अफर्मेशंस बोलते या लिखते समय आप अपने आप को उन स्थिति में जरूर कल्पना करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप अपने आप की कल्पना करेंगे, उतनी ही अधिक आपके भीतर खुशी महसूस होगी और वही खुशी आपके भीतर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एनर्जी को और इंक्रीज करेगा, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके चेतन मन के द्वारा आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। इन अफर्मेशंस को आप अभी से ही अपने जीवन में उपयोग करना शुरू कर दें। रात को सोने के समय और सुबह उठने के बाद इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि ये अफर्मेशंस आपके भीतर छिपी क्षमता को खोलने की कुंजी है। आपके भीतर की ऊर्जा को बढ़ाने, आपके भीतर का वाइब्रेशंस को बढ़ाने का एक टूल है जो आपके जीवन को नई दिशा में मोड़ने और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह अफर्मेशंस आपको ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड आपके वाइब्रेशंस के प्रति उत्तरदायी है, और अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़कर आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। इसलिए अटूट विश्वास के साथ इस मंत्र का, इस अफर्मेशंस का उपयोग करें, और एक बार कोई भी सकारात्मक विचार या पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अवचेतन मन में चला जाए तो आपका अवचेतन मन इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करके आपको हर वो पॉसिबिलिटीज ला कर देता है जिसके आप वास्तव में हकदार है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ते रहें। आपको ब्रह्मांड के समय पर दृढ़ता से विश्वास करने की आवश्यकता है। इस विचार को स्वीकार करें कि आपकी मैनिफेस्टेशन टाइम नेचुरल फ्लो ऑफ टाइम के साथ मैच कर रही है, फिर आपकी हर एक इच्छा आपको मिलता रहेगा, और पैसों के अबंडेंस का आनंद लेते हुए अपनी जिंदगी में ढेर सारे पैसे, अबंडेंस और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।